तो गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। राज्य सरकार गौ सेवा के लिए कई सारे प्रकल्प, तो मैंने भी बताया ना आपको कि राजस्थान पहला राज्य है देश के अंदर जहाँ पर गायों का अलग निदेशालय बनाया, विभाग कन्वर्ट हो गया बाद में, और आज 9 महीने का हम दिन अनुदान गौशालाओं को, तो मैं समझता हूँ सब गौ भक्त बहुत खुश हैं और प्रबंधक जो है गौशालाओं के वो उस बात का एहसास है कि सरकार हमारे लिए कोई कमी नहीं रख रही है। नंदीशालाएँ हैं, गौशालाएँ हैं और खुलती जा रही हैं, सरकार भी अनुदान दे रही है क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर जो हमारे पशु के रूप में घूमती है गायें भी नंदी भी, वो अच्छी परंपरा नहीं है, उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, आगे आके ऐसी व्यवस्था हम सब मिलकर करें आवारा पशु के रूप में गायें गलियों में नहीं घूमें। सर 3-3 माह के आवंटन की बात महाराज जी ने रखी है, क्योंकि अभी 6 महीने का जो अनुदान आवंटन की बात है, 6 महीने का अपन कहा वो तो जाके 3-3 महीने का फिर विभाग से बात कर लेंगे, देखेंगे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि बजट उसी में आ रहा है, बजट के बाद में अनुदान दे सकते हैं ना हम लोग, तो बजट का अधिवेशन 23 शुरू हो रहा है, बजट कब आए, जो आप सुझाव दिया वो उसमें क्या तकनीकी प्रॉब्लम आएगी देख लेते हैं, प्रयास करेंगे कि उनकी भावना समझ के क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बजट में सर क्या नया मिलने वाला सब प्रोजेक्ट और कोई बात सर, सर, सर सागवाड़ा की बात करूँ मैं, ये सागवाड़ा में की जो भूमि है वो करोड़ों में आके जाती है, और अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा एक मामला सामने लाया कि जिस तरह से पिछले बोर्डों में बंदरबाट की गई, बड़े लोगों ने भूमि ले ली कच्ची बस्ती के नाम से, तो उसकी जांच सरकार कराएगी या सिर्फ ये सिर्फ आरोपी लग के रह जाएगा सर? अगर कोई ऐसा कंप्लेंट आई है तो उसे करवाएंगे सर। बाकी सब ठीक है, आप लोग बार बार पूछते रहते हो, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है, इनके नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर लॉन्च करने के लिए जन आक्रोश रैलियों को, वो प्रोग्राम अपना फेल हो गया, तो जेपी नड्डा साहब को समझ आना चाहिए था कि कोई दम नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि आक्रोश तो इनके प्रति है, जनता इनको पूछ रही है कि आप आक्रोश तो आप हमारे बीच में आए हो, आक्रोश रैली लेके हमारा आक्रोश आपके प्रति है, आपने 4 साल में क्यों निकम्मापन दिखाया, आज तक कोई इश्यू नहीं बना पाए सरकार के खिलाफ में लोग, आज तक कोई इश्यू नहीं बना पाए, कोई कोई कार्यक्रम ऐसा कर नहीं पाए जिसे लगे इनकी बात में दम हो, खाली अखबारी कागज में बोलते रहते मीडिया के अंदर स्टेटमेंट देते रहते हैं, उसी से खुश होकर पढ़कर खुश होते हैं। अभी आपके मैंने सुना सागवाड़ा में आए थे रूपाला जी, आए थे रूपाला जी, कितने लोग इकट्ठे हुए थे? वो आपके अमृत मीणा जी कौन है MLA? मैंने सुना उनको कहना पड़ा कि आप लोग केंद्रीय मंत्री है तो लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, ये तो इनकी स्थिति बनी हुई है, तो इस बार लगता है इसमें इन्होंने बीच में उसको पोस्टपोन कर दिया बहाना करके इसका कोविड का, जब मजाक उड़ी इनकी तो वापस शुरू किया 2 घंटे बाद में, तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं लोग सब समझ रहे हैं इनको। तो भाजपा की जो इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है कांग्रेस की, हमारी स्कीम में जो है लोग उसका आत्मसात कर रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमने लागू करवाई है, चाहे वो सारथी चिरंजीवी योजना हो, चांदी योजनाएं हो, OPS भी हर कर्मचारियों की जिंदगी में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, कोई मामूली बात नहीं है।